जल गई जल गई जल गई। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा गर्म आ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर पे। मैंने अभी अभी चेक किया, व्हेन आई जस्ट लाइक ओपन द गूगल मैप्स, तो अलाइट बैंक तो बंद आ रहे हैं। सैटरडे को तो बैंक्स ओपन होते हैं, हम यूज कर लेते हैं एटीएम, क्योंकि वहां पे जब अग्रीमेंट करना है तो पैसे कैश ही दे देते हैं राधा दन, क्योंकि मेरा दूसरे वाला अकाउंट ब्लॉक हुआ है ना। व्यू इज ओ माय गॉड, बहुत फिट व्यू है ये वाला, व्यू भी कर ले आप लोग। एनीवेज यहां पे मेरा सामान था, तो यहां से मैंने अपना सामान उठाना है और फिर पिक करके न्यू लोकेशन पे जाना है। होंगे और फिट फाट होंगे। मैं हूं डॉक्टर गंजा, हमेशा की तरह आप लोगों के साथ। अगर मेरे चैनल के ऊपर न्यू है तो वो मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, आगे अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करके मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम डॉक्टर गंजास करके नेम से है। जो लोग न्यू है उनको तो नहीं पता होगा मैं कहाँ पे इस टाइम रुल रही हूँ। सो द सीन इज दैट हम लाहौर आ गए थे एंड वी वर लुकिंग फॉर सम न्यू प्लेस। तो ऑलमोस्ट अभी जो है बस यहाँ से चेकआउट मैं करने लगी हूँ। यहाँ से चेकआउट करते हैं, कुछ बैंक का काम है, वो मतलब तीन आज मेन मेजर काम है जो मैंने आज करने हैं इंशाल्लाह, विच आई एम गोइंग टू डू टूडे इंशाल्लाह। एक न्यू प्लेस का अग्रीमेंट करेंगे, दूसरा बैंक का काम करेंगे और तीसरा शिफ्टिंग भी करेंगे पुराने घर से उस वाले घर में। तो देखते हैं इंशाल्लाह, और आप मेरे साथ चलें। और यहाँ से अब सारा सामान जो है वो पैक शक कर लिया है और निकलते हैं यहाँ से बाहर। इस टाइम मौसम इतना हसीन हो रहा है, इतना हसीन हो रहा है, चेक दिस आउट। ओए होए 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 होए, आग है आग, लेट्स गो। जल गई भाई, जल गई जल गई जल गई। ओह माय गॉड, बहुत ज्यादा गर्म आ रही है, बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर पे, बहुत ज्यादा गर्मी है बाहर पे। तो आग ही खत्म हो गया है। पापा जी प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल क्या करें। किरण जैसे मुझे रात बता रही थी, और मैं अपनी ऑडियंस को भी बताती चलूँ कि दैट बहुत ज़्यादा गर्मी में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का भी इशू होता है ना, तो आपका सब कंजंक्टाइवल हेमरेज ये चीज़ शो करता है कि दैट आपका बीपी बहुत ज़्यादा रेज है। मतलब अगर आपकी आँख का पूरा ये जो कंजंक्टाइवा वाला एरिया है और ये जो पूरा वाइट आप कह लो कि जो एरिया है स्क्लेरा का, अगर ये पूरा रेड हो जाए, खून आ जाए, दैट मीन्स के आपको सब कंजंक्टाइवल हेमरेज हुआ है, एंड दैट शोज़ कि आपको अपना बीपी लाजमी चेक करवाना चाहिए। प्लीज़ धूप से बचें, क्योंकि ये तो नॉर्मल इंसान का भी बीपी रेज कर देगा। ओह माय गॉड, लेट्स गो, पहले बैंक चलते हैं। ओए ओए ओए, अलाइट बैंक जाना है पहले हमने, और अलाइट बैंक की इन्होंने आके ब्रांच भी चेंज कर दी है। ओह, गूगल मैप्स यूज करने पड़ेंगे। मैंने अभी चेक किया, व्हेन आई जस्ट लाइक ओपन द गूगल मैप्स, तो अलाइट बैंक तो बंद आ रहे हैं। सैटरडे को तो बैंक ओपन होते हैं, सैटरडे को तो बैंक ओपन हो जाए, आई डोंट नो, मगर फिर भी वो क्लोज आ रहे, मंडे को खुलेगा। यार वो भी आज काम हो जाना चाहिए था, अब उसके लिए मुझे फिर दलील होना पड़ेगा, आई डोंट नो। फिर भी एक दफ़ा जाके देख लेते हैं, शायद ओपन हो, शायद गूगल मैप्स पे क्लोज आ रहा हो, आई डोंट नो, लेकिन ओपन होता है सैटरडे को। लेट्स गो। चलिए पहले हम यूज़ कर लेते हैं एटीएम, क्योंकि वहाँ पे जब अग्रीमेंट करना है तो पैसे कैश ही दे देते हैं राधा दन, क्योंकि मेरा दूसरे वाला अकाउंट ब्लॉक हुआ है ना, उसी के लिए तो मुझे बैंक जाना है, और वहाँ से मैं इजीली ऑनलाइन ट्रांसफ़र करा सकती हूँ। और जो मेरा करंटली एमसीबी बैंक चल रहा है, वहाँ पे पहले आपको बेनिफिशरी बनाना पड़ता है और फिर उसके बाद घंटों बाद आपका ट्रांसफ़र होता है, तो इसलिए मुझे पहले कैश निकलवाना पड़ेगा आराम 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 से। होप सो इस वाली हाँ लिमिट है, अभी अंदर कोई है ये निकलता है तो फिर हम पहले कैश निकलवा लेते हैं और उसके बाद फिर लाइट वाला चेक कर लेंगे। और उसके बाद अभी जो मुझे प्रॉपर्टी डीलर का भी कॉल आया था कि आप जो है वो मेन लोकेशन पे आ जाएं, तो लेट्स गो। लिमिट ही पूरी हो गई है, 25-25 करके निकला आए हैं और आगे और निकलवाने लगी हूँ, तो जी कार्ड की लिमिट ही पूरी हो गई है। बड़ा डिसअपॉइंट किया एमसीबी वाले का ना। मैं हमेशा वैसे चेकबुक यूज़ करती थी, तो एटीएम से पहली दफ़ा इसको विड्रॉ किया, मोस्टली मैं लाइट बैंक अपना यूज़ करती थी तो वह लाइट पे नहीं इतना इशू होता था, लेकिन इस पर अब लिमिट का इशू हो गया है। चलो इसी से अभी गुजारा करते हैं और निकलते हैं, अब देखते हैं लाइट बैंक खुला हुआ है कि नहीं खुला हुआ, और अगर नहीं खुला हुआ तो फिर डायरेक्टली वहीं चलते हैं जहाँ पे एग्रीमेंट करना है। लेट्स गो। A few inches later. कुछ ऐसी है इस टाइम कि पहले मैं गई हूँ पीछे बख्श पे, वहाँ पे कुछ खाने का नहीं था, सिर्फ पीने का था। अच्छा, फिर आगे मैं आई हूँ कॉफ़ी प्लानट पे, यहाँ पे बिल्कुल एसी भी नहीं चल रहा है, और अब मैं उस बंदे के कोने वाले का इंतज़ार कर रही हूँ कब उठे भाई जान, तो मैं वहाँ जाके थोड़ा ठंड में बैठूँ।
खाना ऑर्डर करवा दिया है, लेकिन मुझे यहाँ पे अब इतनी कोफ्त हो रही है कि यहाँ पे ठंड नहीं है, मतलब लाइक एसीज नहीं है यार, गर्मी अंदर भी और बाहर भी। भाई जान के तो उठने के बिल्कुल मुझे हालात सिम्टम नहीं लग रहे, वो तो लगे हैं अपने टेक्सटिंग पे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फुल ऑन टाइम। मैं यहाँ सड़ गई हूँ पकौड़ा बेशक यहाँ पे अकेले A few minutes later. अच्छा जी, अभी सीन ये है कि हम न्यू जगह पे आ गए हैं। न्यू जगह अभी आपको दिखाऊंगी नहीं क्योंकि अभी वो होनी है फाइनल, वो ज़रा फाइनल वगैरह हो जाए, अभी मैं पेपर वर्क वगैरह कर लूँ, उसके बाद शिफ्टिंग जब हम करेंगे सेट मेट करके फिर आपको पूरी हम प्लेस अपनी न्यू वाली दिखाएंगे। अच्छी है, इट्स गुड इनफ। इतने टाइम पीरियड में जो मैंने जल्दी जल्दी चीज़ें और पता नहीं कोई 20-25 जगह देख के तो एट लास्ट जो चीज़ डिसाइड हुई है इट्स नॉट बैड इनफ, इट्स गुड। ठीक है, तो आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, सीन अब ये है कि दैट घर का फाइनल हुआ है, एग्रीमेंट शग्रीमेंट हो गया, ओके अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है। और जो है ना अभी पुलिस रिपोर्ट वगैरह कुछ रहती है, तो ये अभी लड़का वहाँ गया कुछ बनाने के लिए, ये वो कर ले तो फिर उसके बाद जो है मैं शिफ्टिंग वाला अपना सिस्टम ऑन करूँगी, बिकॉज देन आफ्टर वर्ड्स दे विल हैंड ओवर द कीज एंड ऑल दैट इंशाल्लाह। अल्लाह ताला प्लीज़ आप लोग भी दुआ करें, इसके बाद जो हो ना वो मैं अपना खुद का मैं घर खरीदूँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि अपना घर इज़ अ वेरी 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 मच ब्लेसिंग। अल्हम्दुलिल्लाह जब से पैदा हुए हैं हमेशा अपना घर ही देखा है, अपना घर ही देखा है। आके भी अल्लाह ताला हर औलाद को इतनी सलाहियत दे के वो जो है अपनी चीज़ बना सके, तो बस हम भी लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला जो है वो तरक्की देगा एट द एंड ऑफ द डे, अल्लाह ताला ने दिया भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अच्छा जी, आज सैटरडे और आज मुस्तफ़ा का जो है वो अकीका है, सुबह उसकी वीडियोस वगैरह फैमिली ग्रुप में शेयर हो गई थी, तो अभी मैं मानूर को कॉल करती हूँ क्योंकि मानूर उसके घर है, मानूहरा के घर है, मम्मा पापा भी गए हुए हैं, तो क्योंकि मैं वहाँ पे हूँ नहीं तो उसके लिए माजरत हेरा बहुत बहुत, और लव यू मुस्तफ़ा बहुत बहुत ज़्यादा, खाला लव यू, खाला भी बहुत थकी हुई है, खाला अगर आपको वहाँ होती तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती और गिफ्ट्स भेजती, लेकिन हीरा खाला मैंने जो है मुस्तफ़ा का गिफ्ट भेज दिया है, वो आपको मिल जाएगा, और लव यू लॉट। अभी जी हमने फैमिली ग्रुप वीडियो कॉल तो की हुई है, वैसे तो सारे मसरूफ होंगे इस टाइम में, आई डोंट थिंक सो के दैट समवन इज़ गोइंग टू पिक माय कॉल, बट स्टिल मैंने कर दिया है कॉल क्योंकि आई एम मिसिंग देम ऑल, हीरा किरण मामा मानो पापा सारे लगते हैं मसरूफ होंगे ऑब्वियसली बात है, बट फिर भी रिंगिंग तो जा रही है। लव यू। बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है अभी और ऑन द प्रॉपर्टी डील गया हुआ है कोई अपना काम शाम करवाने के लिए, आई एम सुपर टायर्ड, आई एम फीलिंग सुपर टायर्ड नाउ, आई विल टेक अ नैप आई फील लाइक। एट लास्ट जो है एग्रीमेंट तो हो गया, लेकिन अब कितनी ही गंदी और हो सकती है कि गाड़ी का टायर इस टाइम बिल्कुल बिल्कुल फक्ड अप हो चुका है, और गाड़ी को राम राम से लेके जा रही हूँ क्योंकि अभी शिफ्टिंग करनी है, लेकिन ये वाला मसला एक और आ गया, ये मसले भी हैं लाइफ के अंदर, अब ये वाला ठीक करवाते हैं टायर का पहले। मुझे तो लग रहा था, मुझे अभी भी लग रहा है पंप पे नहीं जा सकेगी, गाड़ी का टायर के हालात देखते हैं क्या हुए हैं, जिस तरह से मुश्किल से कष्ट ये जिस तरह से आ गई है ना, बस हमें ये पता कि कैसी आई है ये गाड़ी, फुल इस टाइम इतनी बू आ रही है ना इससे, फुल एंड सीन है इसका, फुल एंड सीन है। मैं अल्लाह अल्लाह करके बता दें, जब मसलों में से ये है जब आपको ज़्यादा काम हो ना और आप ऑलरेडी टेंशन में हो गए ये भी चीज़ तो ये भी, फिर एक और आती है ऊपर, बट कोई नहीं अल्लाह ताला का शुक्र है आज पहुँच तो गए हैं ना, दैट इज़ द मेन थिंग, मैं कहाँ भी होता हूँ चेंज करते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो शिफ्टिंग के लिए निकलेंगे, रात बहो रात हो जानी, काफ़ी रात हो जानी है सारी, सारे मामला नहीं करते करते, लेट्स गो, पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। 12 seconds later. अच्छा जी, अभी सीन ये है कि चाय मंगवाई है और मैं वैसे ही इंस्टाग्राम पे लाइव आ गई थी अपनी फैमिली के साथ, मैंने कहा चलो थोड़ी गपशप करते हैं और चाय शाय भी पीते हैं, फिर मुझे याद आया मेरी यूट्यूब फैमिली भी तो है आप लोगों के लिए भी तो ब्लॉग बनाना है, उधर उनको उनका टाइम दे दिया, अब आपको आपका टाइम ब्लॉग के थ्रू दूंगी, और फिर उसके बाद जो है अब भाई शिफ्टिंग रहेगी ये सीन, बाकी सारी चीज़ें ओके हो गई हैं, गाड़ी का टायर का पंक्चर लगवा लिया है, अब चीज़ें उठानी है और फिर उसके बाद वो लोड करवानी है और फिर डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वहाँ जाके आई फील लाइक दैट आई लैंड द ब्लॉग, एंड जो मेरा होम टूर होगा डेफिनेटली फिर जो है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, अ लॉट ऑफ वर्क। चेक दिस आउट जी, कहाँ खड़ी हुई हूँ मैं, ओ माई गॉड दिस व्यू इज़ ओ माई गॉड, बहुत फिट व्यू है,
ये वाला व्यू भी कर लें आप लोग। एनीवेज यहाँ पे मेरा सामान था, तो यहाँ से मैंने अपना सामान उठाना है और फिर पिक करके न्यू लोकेशन पे जाना है। अच्छा, वो मैंने ज़्यादा ऊंची नहीं ली क्योंकि मुझे हाइट फोबिया नहीं है, बट मुझे एलिवेटर फोबिया, आई एम लाइक क्लॉस्ट्रोफोबिक आई फील लाइक, क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा एलिवेटर में बंद हो गई थी और तब से मुझे एलिवेटर से घुटन होती है। अभी ये जो मैं इस बिल्डिंग के एलिवेटर से आई हूँ ना, ओ माई गॉड, बहुत ही डब्बा थी, बट मैं ऊपर आ गई हूँ, अब मैं जाऊँगी सीढ़ियों से, मैंने नहीं जाना उसमें। मैं ना उसकी तरफ देख रही, फिर मैंने इधर कर लिया वो। बट चेक दिस आउट यार, व्यू बहुत आउट क्लास है, लेवल। वो जी रिंग रोड बनी है, न्यू वाली जो रिंग रोड बनी है, मगर एक चीज़ इतनी ऑफ की है कि ये रिंग रोड बहरिया के अंदर नहीं उतरती, आगे से मुल्तान रोड पे रिंग रोड उतरती है, विच इज़ आई फील लाइक लेकिन चलो फिर भी बहुत स्मूथ इनफ है अभी भी। चेक दिस आउट जी, रिंग रोड सिग्नल ऑफ ऑन हो गया, ऑफ हो कहने लगी थी मैं, और वो बहरिया ग्रैंड मस्जिद। लिफ्ट यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइट लिफ्ट है, जिस तरह से मैं ऊपर ना वही बताने लगूँगी, मैं सीढ़ियों से 5-6 फ्लोर से नीचे तक सीढ़ियों से उतर आऊँगी, बट मैं लिफ्ट नहीं यूज़ करूँगी। मैं जस्ट हेट, थोड़ी खुली स्पेशियस हो ना फिर भी होता है यार, बिल्कुल नहीं बंद। आई विल लव टू गो डाउनस्टेयर्स विद द हेल्प ऑफ स्टेयर्स, बट डाउनस्टेयर्स विद द हेल्प ऑफ स्टेयर्स लिफ्ट नहीं भाई, माजरत, लेट्स गो। अ फ्यू आवर्स लेटर। अच्छा जी, अब सीन ये है कि दैट मैं अपनी न्यू प्लेस पे आ गई हूँ, आई एम सो टायर्ड, अभी भी नीचे सामान पड़ा हुआ है, वो खाना ग्लू कह के ऊपर मंगवाती हूँ और फिर उसको सेटल डाउन करूँगी, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, जब मेरा नेक्स्ट व्लॉग होगा वो सारा सफाइयाँ शफाइयाँ करवा के फिर आपको जो है एक ही दफ़ा अपनी न्यू प्लेस का विजिट करवाऊँगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लग गया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें, मेरे नेक्स्ट व्लॉग का इंतजार करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।